हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले का स्वागत किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करने मंडी पहुंचे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले को सराहा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है बहुत सही है और कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या में जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और यह कार्य शांति और सौहार्द को कायम रखते हुए किया जाना चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर कुछ लोगों ने इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि अब राजनीति से ऊपर उठकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है और मेरा ये मानना है कि इस पे बहुत राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हुई है और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी की जो कार्य समिति है स्वागत किया है और हमें लगता है कि गुड सेंस विल प्रवेल और इसके बाद तमाम जो राजनीति है वो खत्म होने हो जानी चाहिए। राम मंदिर वहाँ बने ये सब लोग चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी चाहते हैं। राम मंदिर का जो फैसला आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसका हम सब स्वागत करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता ने ये फैसला किया है कि उसका स्वागत करके घटना के अनुसार जो राज्य घटना हमारी है बाबा साहब ने दी हुई, उसके अनुसार जो शांतता और सौहार्द्य और हारमोनी रखना चाहेंगे वो हम रखना चाहते हैं और राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने यही कामना करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। एडवेंचर के शौकीनों के लिए अल्टीमेट सर्वाइवल पेश कर रहा है हिमाचल की पहाड़ियों में शिवालिक अल्ट्रा रन। हिमाचल टूरिज्म के सहयोग में कैंपिंग एंड राफ्टिंग इन हिमालयन। इसमें है विभिन्न कैटेगरीज जिसमें होगी 80 किलोमीटर व 50 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन और शिवालिक अल्ट्रा रन में भाग लेंगे मेजर जनरल विक्रम डोगरा। इसके अलावा आप भी भाग ले सकते हैं 30 व 10 किलोमीटर की दौड़ में, साथ में 40 किलोमीटर की अल्ट्रा वॉकथॉन और 10 किलोमीटर की वॉकथॉन भी। इसी तरह 40 व 80 किलोमीटर की साइकिलिंग भी होगी आयोजित, जबकि पहाड़ी वादियों में कर सकेंगे योग की क्रियाएं। 23 व 24 नवंबर को ज्वालामुखी के रिजर्व फॉरेस्ट वन चिलिया से होगा आगाज। जल्दी कीजिए, कहीं आप चूक न जाए मौका एक ऐतिहासिक इवेंट के भागीदार बनने का, जिसमें न केवल पहाड़ियों के दुर्गम रास्ते आपको हमसफर बनाएंगे बल्कि नदियों की लहरों के हिलोरे भी आपको रोमांचित करेंगे। कांगड़ा वैली में ब्यास नदी की धारा पर व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग और लीजिए कैंपिंग का आनंद। अल्टीमेट सर्वाइवल की शिवालिक अल्ट्रा रन में भाग लेने के लिए संपर्क करें। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।